आपने कॉल की थी? नहीं, वो फोन फोन नहीं किया था, गलती से लग गया था। अच्छा चले, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए। सुने सुने, वो गलती से नहीं लगा था, मैंने खुद किया था। तो फिर बंद क्यों कर दिया और झूठ क्यों बोला? से कभी इस वक्त बात नहीं हुई ना, और फिर थोड़ी देर में आपका शो भी है, इसलिए बेध्यानी में कर दिया था, फिर रख दिया। नहीं, अभी शो में भी 1 घंटा बाकी है, आप कहें क्या बात? कह तू जी, आप मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहे थे, जब से मैं सोकर उठी हूँ तब। ये तो कुछ बिगड़े बिगड़े से हालात नजर आते हैं। हालात ठीक कर दीजिए। अच्छा, वो कैसे भला? मुझसे मिलके। क्या? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। सच कहूँ तो आपको लेकर मेरी कुछ फीलिंग्स हैं जो मैंने कभी पहले नहीं महसूस की, और ये मैं रिवायती बातें नहीं कर रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। बुरा लगा क्या? मैं जरा अपने प्रोड्यूसर से प्रोग्राम डिस्कस कर लूं, मेरा शो है 1 घंटे। अच्छा ठीक है, सुनो, मेरा शो जरूर सुन लो। जी जरूर, वो तो मैं तब से सुनती आ रही हूँ जब मैं आपको जानती भी नहीं थी। जरूर सुनूंगी। चलो ठीक है, टेक केयर। इतनी बड़ी बात कहती मैंने, इंसान कोई बहाना ही कर लेता, अगर नहीं मिलना था तो मतलब साफ साफ ही कह देते भाई नहीं मिलना, ऐसे भी कोई कहता है कोई बात ही ना करे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बस ऐसी बातें करके लोगों के दिल जीत लेते, जब मिलने का कहें तो कोई जवाब ही नहीं देते। जी तो जनाब, कभी कभी जब आपकी तन्हाई के तालाब में कोई कंकर फेंकता है तो ऐसा होता है। हमने तो आपके दिल के तालाब पे सिर्फ कंकर ही फेंका था, आपने तो हमारे आशियाने पे पत्थर ही दे मारा। तन्हाई के तालाब में जो ही कंकर गिरता है तो दिल मचल जाता है। आप जिस तन्हाई के आदी थे, खुश थे इस तन्हाई से, उकता जाते हैं। तो आपका दिल करता है कि जिसने मुलाकात के लिए पैगाम भेजा है उसने पहले क्यों नहीं भेजा, आप परसों तन्हा क्यों रहे? रिस्क, मलबूस, मकान, सांस, मर्ज, कर्ज, दवा, मुनकसिम हो गया इंसान इन्हीं अफकार के बीच। होता है ना ऐसा? तो अगर कभी कोई कहे आपसे मिलने के लिए बड़े प्यार से, तो उससे मिल लीजिएगा। यकीन कीजिए कि मिलने से पहले ही आपके दिल के हालात और वाकयात सिर्फ ये सोचकर ही बदल जाएंगे कि पहली मुलाकात में क्या बातें होती। बहुत ही तेज है, फोन पर जवाब नहीं दिया क्योंकि जनाब ने रेडियो पर जवाब देना था। हौले हौले दिल में उठते हुए अरमानों को सिर्फ अच्छी मौसीकी से ही करार आ सकता है। तो ये प्यारा सा गीत उन सब की नजर जो किसी अजनबी मुलाकात के मुंतजर है। वाह सर नादिम, वाह क्या बात है। इश्क माशूक है, इश्क आशिक, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क।
बहुत।